तो यहाँ व्यवस्था की है खाने की, हर शादी में सिर्फ इसी के लिए आया जाता। मोटे कम खा लियो कम खा लियो। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप लोग आए हो, आप सब ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की गुड मॉर्निंग हुई है सवाई माधोपुर में। 3 दिन से लोकेशन चेंज हो रहा है, कभी ऋषिकेश में गुड मॉर्निंग होती है, कभी दिल्ली में होती है, आज सवाई माधोपुर में ही है। तो आज तो मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे, क्योंकि मेरी एडिटिंग बिल्कुल बाकी थी, तो रात में एडिटिंग हो नहीं पाई, बिल्कुल नींद आ रही थी, बहुत तेज थकान के मारे। कल तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जुकाम वुकाम तो चलो कंटिन्यूसली है, ये जुकाम तो अभी तक छूटा ही नहीं है, और थोड़ा सा फीवर था बट वो चला गया, अब सिर्फ जुकाम बचा हुआ है, गला जाम है, थोड़ा सा कफ जैसा बना हुआ, खांसी भी हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सब चल रहा है। तो अभी तो मैंने वीडियो एडिट कर दिया है और रेंडर पे लगा के आया हूँ, 8:30 बजे वीडियो आएगा, जब तक मैं अपलोड कर दूंगा उतना मेरे को टेंशन नहीं है। फिलहाल तो ये देखो, ये भी सुबह उठा था पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ा बिल्कुल नहीं है, और छत पे आके पता नहीं क्या कार्टून गिरी कर रहा। पर हमारे यहाँ की जो गुड मॉर्निंग हुई है वो भी बहुत प्यारी है। हमारे यहाँ की गुड मॉर्निंग ऋषिकेश से कम तो नहीं होती, बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग होती है। सूरज कहाँ देखो, वो रहा सूरज, बिल्कुल प्यारा प्यारा सा। फिलहाल का मौसम तो कुछ ऐसा है कि मौसम बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत प्योर है, बहुत मजा आ रहा है, और धूप भी कम है। आई होप हम पूरे दिन भर ऐसे ही रहे, क्योंकि उधर के मौसम के बाद आए तो इधर धूप शायद ज्यादा लगी, क्योंकि उधर तो गर्मी थी भी नहीं। गाइज एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे टूर पर टोटल कितना खर्चा आया वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आइडिया मिल जाए आप लोगों को भी कभी जाओ तो। वैसे हम लोग अपनी कार से गए थे, पर्सनल कार से, तो कार का हमारा खर्चा आया लगभग 7,500 का हमारा फ्यूल गया, जिसमें हमारा बाया दिल्ली था, हम लोग दिल्ली में स्टे भी किए, फिर गए लगभग 150-200 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा पड़ गया, तो 7,500 का फ्यूल था, और फिर 2,500 रुपये का लगभग रोड टोल था, और फिर स्टे वगैरह करके खाना वाना लेके टोटल हमारा 17,000 या 18,000 के ऊपर, 18,000 इतना अराउंड खर्चा हुआ हमारा, बिकॉज हमने टारगेट किया था 25,000 के आसपास का, जबकि मैं 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चला था, 3,000-4,000 रुपये, 5,000 रुपये और खर्च होते हैं अगर हम ऋषिकेश में स्टे करते तो। बट हमने ऋषिकेश में स्टे नहीं किया, देश में हमारे 17,500-18,000 हो गए, बट हमने अच्छे से घूमा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो हमारा इतना में खर्चा हुआ है, वहाँ पे जो भी था उतना महंगा नहीं था, बस वहाँ पे खाना वाना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया, कि एक टाइम का खाना 1,000 रुपीज का, वो भी टेस्ट नहीं, टेस्ट होता तो चलो कोई बात नहीं चल जाता काम, बट वैसा कुछ नहीं। तो फिलहाल तो भी मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी कंप्लीट, रेंडर वेंडर हो गया होगा शायद, और वीडियो को लगाऊंगा अपलोड पे, 8:30 बजे वीडियो आना है, ये काम रोज का अपना। वाह सारे पौधे उग गए भाई, ये 2 पौधे इधर और इधर के देखते हैं, क्या बात है, इसमें भी इतने सारे आ गए, इसमें भी इतने सारे, ये तो खैर इसमें तो कितने हैं, 1-2 इसमें तो बहुत सारे हो गए, और ये वाह यार ये भी लग गया, 2 उधर है, उधर के भी देख लेते हैं, इसमें भी आ गए देखो, इसमें भी आ गए, इसमें ये आ रहे हैं और इसमें तो आ ही गए। अभी फिलहाल टाइम हुआ है 10:45, लिटरली मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, सर्दी जुकाम कफ तो खत्म होने का नाम ही ले रहा है। फिलहाल तो मार्केट जा रहा हूँ कुछ काम से। विशाल बिरयानी खाने की सोच के आया था, मैं उसको पेटीज खिला रहा हूँ। विशाल तो बिल्कुल काला काला लग रहा है यार, मैं तो पेटीज खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे भूख लगी नहीं है, इसलिए मैं पीऊंगा कहाँ रे ये रहा। शायद सतेंद्र की ट्रेन आ चुकी है, लेकिन सतेंद्र दिख नहीं रहा, कहीं लटक रखा होगा कहीं गेट पे, गेट से आया था मेन गेट से, ये देखो कहाँ कहाँ सामान लेके आ रहा है, ला भाई, अरे विशाल सामान ले ले। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी धूप में, कड़कती धूप में हम लोग जिमने जा रहे हैं, जिमने मतलब किसी के घर पे नोता खाने जा रहे हैं। तो यहाँ व्यवस्था की है खाने की, अच्छा व्यवस्था खुले में बढ़िया है, बस थोड़ा गर्मी कम लगी। अरे ऊपर तो टेंट भी दिख रहा मेरे को, अच्छा आगे टेंट है क्या, समझ भाई थोड़ी साफ सफाई डालना है ना, हाँ बिल्कुल हिसाब से डालना, और मिठाई भी लेके आया यार, एक आदमी 2-2 काम कर रहा है, 9 बार रसगुल्ला कर रहा है तू, ये ले भाई, भाई देखना सोयल अगर तू देखे तेरी बहन के साथ रसगुल्ला कम पड़े तो ये होगा जिम्मेदार रईस भाई कहा ये 10 रसगुल्ला रईस भाई देंगे इंद्र को खाने के लिए, आज सबसे कम खाया सतेंद्र ने, सबसे कम। नीचे गाड़ी की धुलाई चल रही है, अब जाके गाड़ी धुल रही है दिल्ली से आई, जबकि बाद अभी जस्ट नहा धो के ऊपर आया हूँ। 7 दिन में तो ब्लॉगिंग भी नहीं की उतनी जितनी करता हूँ मैं रोज कंटिन्यूसली, अब मैं ब्लॉगिंग थोड़ी छोड़ छोड़ के कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, जब से हरिद्वार से आया हूँ गंगा जी के पानी से नहाया हूँ तब से तबीयत खराब चल रही है, फिर जुकाम था, जुकाम थोड़ा कम हुआ तब खांसी बढ़ गया, क्या हो रहा है, पढ़ाई की टाइम पास हो रहा, काज भैया अच्छा लग रहा है, आप सर्व कर रहे हैं सबको, संजय भैया का तो मुंह ही दिख रहा, पेड़ के पीछे छुपे हुए संजय भैया, आ ये रहे
राजू भैया आप जहाँ से भी देखो, देखो संजय भैया कितना अच्छा जूस पीने लग गया आज का, आप जहाँ से भी देखो। फिलहाल तो हम लोग फिर से रात में आ गए खाने के लिए, काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है अभी की इसके साथ आया हूँ खाने के लिए। नेता हाय करो। चलो पहली बार तू ब्लॉग में चुपचाप है, राजीव भी है, सब खाने के लिए आया भाई। डिजर्ट में क्या भाई? बर्फी और गुलाब जामुन। मेरे भी यार, अब ये भरेगा और ये भरेगा। नेता थोड़ा हिसाब से खाना यार। अपन चार पूरी हिसाब से खाते हैं। आसू भाई सब्जी बड़े बड़े देना तुम, टकाटक। क्या है? वाह पनीर है क्या? क्या बात है, मौज कर दी। जस्ट फिलहाल खाना खा के घर पे आया हूँ, इसको देखा सपने ताजा हो गए। फिलहाल अब जाके स्टूडियो में बैठूंगा, काम करूंगा कुछ, क्योंकि दिन भर से आज कोई काम नहीं किया है और ये सारे कपड़े धुल के आ गए, इनको कल प्रेस करने पड़ेंगे सबको। एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, सिर्फ साउंड और रेंडर लगाना बाकी है, वो अभी कर लूंगा। दिल्ली से आया उसके बाद फेस की हालत खराब हो गई, बिल्कुल स्किन टेन हो गई, इवन तक बाल भी पूरे ऐसे हो गए, बिल्कुल रबड़ जैसे बाल खराब हो गए। वहाँ का पानी पता नहीं कैसा है, बिल्कुल खारा नमकीन पानी है, बिल्कुल सब कुछ हालत खराब हो गई थी, बाल वाल सब खराब, स्किन सब। अभी पड़ोस में बारात आई हुई है तो उसमें शोर शराब हो रहा बहुत भयंकर। ऑलरेडी मेरे सर में दर्द है क्योंकि जुकाम और कफ के वजह से मेरा थोड़ा सर भारी भारी रह रहा है, सर ठीक ही नहीं हो रहा यार। दो तीन दिन हो गया सर जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ, पता नहीं कब ठीक होएगा। तो आज का दिन तो ऐसा रहा, दो बार खाने गया आज मैं, एक ही बारात में दो बार, एक ही शादी में दो बार खाने गया, लेकिन ठीक था, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं पता है थोड़ा सा नर्वस रहा था, मुझे शर्म आती कहीं पहचान गया दो बार खाने गया, बट नहीं अच्छा था, ठीक ठाक था, कुछ न कुछ नहीं कहा। मैं खा खुआ के आ गया, ज्यादा नहीं, डेढ़ पूड़ी खाई, डेढ़ पूड़ी सुबह खाई थी, डेढ़ पूड़ी अभी खाई थी, वो सिर्फ दोस्तों के साथ गया था, उसमें उतना कोई नहीं था कि मैं खाने गया था, सिर्फ मेन पर्पज मेरा खाने का नहीं था, वो दोस्तों के साथ मैं ऐसे कंपनी के तौर पर मैं चला गया कि हाँ चलो कंपनी मिल जाएगी दूसरे को, इससे चला गया मैं। तो फिलहाल तो अभी एडिटिंग वेडिटिंग करके अब सोऊंगा क्योंकि नींद भी आ रही है, रात में 11:30 हो गए, 12 बज जाते रहे उसको सोते, इसके चक्कर में आंखों के नीचे डार्कनेस आ गई है, तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं इसको एडिटिंग करके पटक देता हूँ, बट जो भी बात होगी वो हम कल करेंगे। तो अभी के लिए आपको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी के लिए बाय बाय, अलविदा।